का पहलू तरजीही बुनियाद पर होता है तो मैं समझता हूँ वो खुशहाली मिले। और जहाँ तक सिर्फ सियासत की बात है तो सियासत में सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर ही एक दूसरे को पीछे धकेला जा सकता है या पीछे छोड़ा जा सकता है। बयानबाजियों से कोई भी किसी को खत्म नहीं कर सकता। तो अभी फारूक भाई ब्रीफिंग देंगे और हम सबको बुलाया है, ब्रीफिंग सुनते हैं उसके बाद हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि जरा ब्रीफिंग सुन लें, हो सकता है कि जो तय किया हो अगर शहर के मफाद में अगर ग्रैंड अलायंस है तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन बात है और इसको खुश दिली से अगर सब तस्लीम करें और अपने इख्तलाफात को बालाए दाख रखें तो बहुत अरसे से शायद ये शहर एक बहुत बड़े इत्तेहाद को देखना चाहता है। मेरा ख्याल है कि सर भाई ये बता दें कि जिस नाम पे आप लोकल बॉडी इलेक्शन लड़े और उसके बाद आपका मेयर आया, क्या आप उस नाम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं? नहीं, फिलहाल ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है, नहीं ऐसा कुछ है। अभी तो ये ज़ाहिर सियासी तौर पर, अभी मैंने आपसे बताया कि फारूक भाई इसको मजीद वजाहत करेंगे, सियासी तौर पर करीब आना एक दूसरे की फिलहाल शनाख्त को खत्म कर रहे हैं। उनके साथ बैठने जा रहे हैं ख्वाजा साहब, आप उनके साथ बैठने जा रहे हैं जिन्होंने कल कहा है कि हम एमकेएम को पूरे पाकिस्तान में दफन कर देंगे, तो वो ये दफन की बातें जो ये अलायंस का हिस्सा होती है? ये तो तशरीह आप उनसे कहें, उनसे पूछें कि क्या है इसका मतलब क्या है। मैं तो सिर्फ अपने स्टेटमेंट और अपनी लीडरशिप के स्टेटमेंट को डिफेंड कर सकता हूँ। अच्छा ख्वाजा साहब, क्या ये लंदन की पिच मुश्तरक तौर पर उखाड़ने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर अब इस सवाल का कोई जवाब रहता है। यहाँ तो आपको पता है कि भरपूर तरीके से हमारे जलसे के बाद इस बात का जवाब ही नहीं रहता कि कौन सी पिच रह गई। यहाँ तो अभी एक नई पिच है और मुख्तलिफ जमातें शहर में हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रही हैं उन्हीं जमातों को आवाम पसंद भी करती है और इन जमातों को आम वोट भी देती है। कराची के इशूज पे जो ग्रैंड अलायंस की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या पीएसपी और एमकेएम होंगे या दीगर जमातें भी शामिल हो सकती हैं? मजमूई दानिश में मैं समझता हूँ दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, इसमें तमाम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मजमूई दानिश में जो सियासी दानिश है, सियासी दानिश किसी एक या दो जमातों के लिए, इसमें तो जितने लोग मिल जाए, जितने लोग जुड़ जाए शहर की खिदमत के लिए उतना ही अच्छा है। तो अगर आपका ख्याल है तो ये पहले क्यों नहीं हो गया? इतने टाइम तक जो है वो आपस में एक दूसरे से दस्तो ग्रेबा रहे और अब अगर आखिर में मिलना ही था पहले आपने बताया नहीं, ख्याल नहीं दिलाया। थैंक यू।